सबसे देखो आपके अपने चेहरे को देश में सबसे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए मास्टर वीडियो है, ठीक है। इसमें सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आप लोगों सारा नोट्स वगैरह तक जाएंगे, ठीक है। और सारा कुछ बताएंगे कि आप कुछ किस तरह से लिखना है, आएगा जो भी होगा सारा कुछ बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल में नए हो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आते ही रहते हैं, सारा कुछ आता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषता यानी कि अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में, अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में, फिर देखिए बेरोजगारी की समस्या के बारे में और इसको खत्म करने की योजना के बारे में, फिर देखिए कृषि के प्रकृति और महत्व और इधर उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, फिर देखिए कुटीर उद्योग लघु उद्योगों के विकास और महत्व और समस्याओं के बारे में, एक तो और है व्यापार नीति और विदेश व्यापार नीति के बारे में, और अगला से आप लोग को झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में और इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र, प्रमुख खनिज बड़े पैमाने के तथा छोटे कुटीर उद्योग के बारे में, ठीक है। तो इतना ही आप लोग के लिए इंग्लिश में देखिए बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वगैरह आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए अब नेक्स्ट चलते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट फेज में। तो फाइनल स्टूडेंट्स, इसके नोट्स में आ चुके हैं जो कि सीएसआर का नोट्स है, ठीक है। इसमें स्पेशली आप लोग को सिलेबस के बारे में बताया गया, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था, ये मतलब पक्का आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में पक्का आएगा, और इसके भारत में आर्थिक अर्थव्यवस्था की समस्या और योजना इसके बारे में भी आएगा, और कृषि और उद्योग के बारे में तो आएगा ही, ठीक है। और कुछ बाह्य क्षेत्र के बारे में भी आएगा, उसमें झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में आएंगे। तो ये डिफरेंस सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में देखते हैं क्या कुछ है। देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से, यानी कि विभिन्न उत्पादन क्षेत्र के विभाजन से अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों को संपादित किया जाता है। तो जैसे कि कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली आदि, ये सारा कुछ क्या हो गया आप लोग का, तो ये अर्थव्यवस्था की संरचना के तौर पर काम करता है, ठीक है। अधिक इसी में जो है बांट दिया गया तीन क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करने के जैसे व्यवसाय होते हैं। अगला द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन वाले काम होते हैं। तृतीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आप लोग का बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। वे क्रियाएं, यह क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं की सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान कौन करती है, तो तृतीयक क्षेत्र करती है। तो ये तृतीयक क्षेत्र आप लोग का क्या हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए आप लोग का संरचना के बारे में पूछा गया था, अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में, और इसमें क्या बताया गया, संरचना के बारे में बताया गया कि इसके तीन विभाग हैं, ठीक है, तीन भागों में बांटा गया। इसके बारे में आप लोग डिटेल से लिख सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में अपने मन से पूरा लिख दीजिए, तृतीयक क्षेत्र के बारे में लिख दीजिए, तृतीयक क्षेत्र के बारे में लिख दीजिए, इसी में आप लोग का नंबर मिल जाएगा। चतुर्थ क्षेत्र भी होता है, लेकिन आप लोग के लिए यहाँ तीन ही क्षेत्र पढ़ना है, चतुर्थ भी लिख सकते हैं आप लोग अपने मन से, ठीक है। देखिए, भारत में समस्याएं क्या क्या, आर्थिक समस्या उसके बारे में देखेंगे, तो इसी को आप लोग को याद रखना, ये नोट्स है, ठीक है। इसमें सारा डिटेल से नहीं दिया रहेगा, तो आप लोग ऐसा इच्छा ना रखिएगा, नहीं रखिएगा कि पूरा डिटेल में दिया रहेगा, डिटेल में नहीं है तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिटेल में नोट्स में नहीं दिया रहता, पॉइंट आप लोग को समझाने के लिए रहता है, ठीक है। इसमें फिर भी हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखें जो कम नहीं, जिसमें आर्थिक समस्या का कथन कि किसी भी अर्थव्यवस्था के सीमित संसाधन मानव की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। समस्या का मतलब ही क्या हो गया कि कोई ऐसी चीज जो हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मानना है कि मानव की आवश्यकताएं असीमित है, जबकि उनको पूरा करने के साधन कम होते हैं। आर्थिक समस्या को ही मूलभूत आर्थिक समस्या भी कहते हैं, आर्थिक समस्या को ही मेन समस्या कहते हैं। आजकल जो हम सबसे बड़ी समस्या क्या है, आर्थिक समस्या है। इसके तीन कारण, मतलब इसके कारण तीन प्रश्न उठते हैं, क्या पैदा किया जाए, कैसे पैदा किया जाए, किसके लिए पैदा किया जाए, इस जो तीन प्रश्न ये उठते हैं इसी के लिए, ठीक है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था की चुनौती, क्या क्या चुनौतियां हैं जिसके कारण आज हम लोग जो है सो कोई गरीब हो जाते हैं, कोई बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। देखिए, विमुद्रीकरण, मौद्रिक नीतियां का नया ढांचा, मुद्रास्फीति नियोजन, देखिए वित्तीय संघवाद और बाहरी क्षेत्रों के बदलाव के साथ साथ जीएसटी के कार्यान्वयन के चलते पिछले कुछ समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो ये सारा क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है। जीएसटी वगैरह के कारण और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, मुद्रास्फीति नियोजन है, जिसके कारण हम लोग का क्या है, बहुत बड़ा बड़ा चुनौतियाँ आ रहा है। देखिए, निम्न विकास और ज़्यादा मुद्रास्फीति, विकास कम हो रहा है और ज़्यादा मुद्रास्फीति हो रहा है। कई सरकारी अनुमानों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था
7 से 8% की रफ्तार से बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने, देखिए इसको जूम करते हैं, नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं, आखिर यार ये स्वीकार कर लिया है कि हो गया एकदम जूम, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, और जूम करते हैं थोड़ा सा। देखिए 7 से 8% की रफ्तार से बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने 2012 के बजट भाषण में आखिरकार ये स्वीकार कर लिया कि विकास दर 6.9% रहेगी, हालांकि वास्तविक आंकड़ा 6.5% ही रहने का अनुमान है, ठीक है। इसके बाद इसकी वजह चीनी के उत्पादन के आंकड़ों में हुई है सांख्यिकी गलती, जिसने जनवरी महीने की औद्योगिक विकास दर को 6.8% से घटाकर 1, ये डाटा है सेंसिटिव, इस डाटा को आप लोग को याद कर लेना, ये कोई मेन चीज नहीं है, बदलता ही रहता है, कम ज्यादा होती रहता है, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना आप लोग को बनता है। ये कारोबारी संगठन के वरिष्ठ अर्थशास्त्री का कहना है कि अगर नीतिगत फैसले, निवेश और मौजूदा संकेतक इसी तरह बने रहे तो मेरा मानना है कि आर्थिक विकास दर 3% भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ ही थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति भी चिंता का कारण हो सकती है, और जो कि अभी 7% से नीचे, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो अगले कुछ महीनों में ये 9 से 10% तक हो सकती है। तो ये सारा कुछ खर्चा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में और दिखाते हैं, राजकोषीय और व्यापार घाटे में बढ़ोतरी। देखिए राजकोषीय और व्यापार घाटे में बढ़ोतरी कैसे हो रहा है, देखिए 2011-12 के वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद, मतलब ये आपको डाटा लिखना है उसमें, ठीक है। डाटा नहीं लिखेगा तो आप लोग को मतलब कि वैल्यू नहीं उतना मिलेगा, ठीक है, जितना मिलना चाहिए। आप लोग का आंसर का वैल्यू कब बढ़ता है, जब आप लोग उसमें जो है एक दो डेट लिख देते हैं तब, ठीक है। तो आप लोग को डेट जरूर से लिखना है सेंस। अब देखिए जैसे कि परसेंटेज भी बता देना आप लोग को कि इतना फीसदी इतना बढ़ के इतना हो गया, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया नोट्स तैयार हुआ है आप लोग के लिए, जो कि इसमें मेन पॉइंट लिखा हुआ, ठीक है। आगे देखिए रेंस क्या है, खासतौर से ग्रामीण रोजगार के लिए चलाई जाने वाली कल्याण योजनाओं पर किया जाने वाला खर्च और भोजन के अधिकार की बाध्यता की वजह से राजकोषीय घाटा 2012-13 में और बढ़ेगा, जैसा कि पिछले वित्त वर्ष में देखने को मिला। तो इस तरह से जो तैयार होता है ना, 2011 का जनगणना के अनुसार ये है, तो 2021 का जनगणना जब होगा तब इधर का पता चलेगा। अभी तो इसीलिए इसमें बोला जा रहा है 2012-13 में और बढ़ेगा, जैसा कि पिछले वित्त वर्ष देखने को मिला। 2011-12 में निर्यात में 20% की दर से बढ़ोतरी हुई, लेकिन आयात में और ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। तो इसके बारे में भी आप लोग और ज़्यादा अपडेट चाहते हैं तो गूगल से अपडेट ले लीजिए, ठीक है, और बढ़िया रहेगा। तो उसमें कुछ अपडेटेड कंटेंट आप लोग को बनाने हैं, ठीक है। काम के लिए रोजगार कार्यक्रम भारत की बड़ी कल्याण योजनाओं में से एक है, बाकी इस नोट से भी लिख सकते हैं, इससे नहीं है कि ये सही नहीं है, सारा सही है। नतीजा ये हुआ कि व्यापार घाटा बढ़कर 185 अरब डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि देश के आज तक के इतिहास में अधिकतम है, ठीक है। 185 अरब डॉलर पहुंच जाना उसमें बहुत बड़ी बात है, ठीक है, घाटा लग गया इतना व्यापार को। बाकी देखिए 2011 के बाद से व्यापार घाटे में बढ़ोतरी और विदेशी मुद्राओं के देश से बाहर जाने की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार 322 अरब डॉलर से घटकर 293 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। ये सारा घाटा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ लीजिए इसको, जो नहीं लिए हैं जाके ले लीजिए इस नोट्स को, और बढ़िया से पढ़िए। निवेश का नकारात्मक माहौल, इसका नकारात्मक माहौल क्या हुआ, केंद्रीय बैंक का कहना है कि आर्थिक हालात में जल्द सुधार के समान नजर नहीं आती है। वित्त वर्ष 2011-12 में घरेलू निजी क्षेत्रों में बड़ी पैमाने पर किए जाने वाले संभावित निवेश को लेकर चिंता थी। तो ये सारे क्या आर्थिक समस्याएं ही तो हैं। कई कंपनियों ने फैक्ट्रियों को स्थापित करने या पुराने के विस्तार में निवेश करने के कार्यक्रम में या तो देरी कर दी थी या उसे आगे बढ़ा दिया था। आगे देखो अप्रैल 2012 में रिजर्व बैंक ने अपने आकलन में कहा कि उद्योगों और बैंकों से की गई बातचीत से यह लगता है कि नई परियोजनाओं में निवेश की रफ्तार धीमी ही रहेगी। तो एक अलग अलग तरीकों से क्या क्या कहता है सारा कुछ, तो ये सारा आप लोग का क्या था, तो समस्याएं थी, ठीक है। समस्या में ये सारा आप लोग को लिखना है, और समस्या में आप लोग का डाटा जरूर लिखना है। डाटा नहीं लिखेगा आप लोग को, आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर रहेगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। पिछले 2 सालों में ऊंचे ब्याज दरों की वजह से कॉरपोरेट जगत ने बैंकों से कर्ज लेने के प्रति उत्साह नहीं दिखाया, और शहरी उपभोक्ताओं ने भी कार, घर और दूसरी खरीद को टालना पड़ा। तो ये सारा कुछ हुआ। अब देखिए कृषि और उद्योग के बारे में, कृषि आप लोग को पता है ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कृषि होते हैं और किस किस चीज़ का होता है, कहाँ, इससे रिलेटेड आप लोग का ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे गेहूं का उत्पादन देश सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, फिर चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उद्योग में सुन से आप लोग को पता है उद्योग में ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये सारा कुछ है। किसी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का, इसको जूम करते हैं, ठीक है। किसी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है, यह क्षेत्र न केवल भारत की जीडीपी में लगभग, देखिए जूम हो गया, देखिए
कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। यह क्षेत्र न केवल भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है, बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। देखिए, आधा से ज़्यादा जो जनसंख्या है सब कृषि पर ही निर्भर है और 15% तो योगदान देता है। ये पूरा मतलब मेन जो है व्यवसाय कृषि ही है, ठीक है। कृषि के बिना कुछ नहीं हो सकता है। यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध करवाता है। तो प्राथमिक उत्पाद आप लोग को पता चल गया, और सेकेंड मतलब द्वितीयक उत्पाद आप लोगों को पता चल गया है और तृतीयक भी पता चल गया, ठीक है। किंतु वर्तमान समय में भारतीय क्षेत्र कृषि क्षेत्र कई समस्याओं से जूझ रहा है। सिंचाई संबंधी असुविधाओं के अभाव के कारण मानसून पर निर्भरता, कृषि तथा किसानों की आय में कमी, फिर देखिए छोटे सीमांत जोत को की समस्या, बाजारों में अवसंरचना की अनुपलब्धता, प्रौद्योगिकी तथा तकनीक का अभाव, व्यवसायिक भावना का अभाव, जलवायु परिवर्तन तथा रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण धारणीय कृषि से संबंधित समस्या भारतीय कृषि क्षेत्र में देखी जा सकती है। तो ये सारा कुछ आप लोग अपने से भी बना दीजिएगा, ठीक है, बना सकते हैं। देखिए, सिंचाई की अभाव हो रहा है, सिंचाई का अभाव हो रहा है, सिंचाई की सुविधा बढ़िया नहीं है, सब खाद वगैरह डाल दिया जा रहा है, उसके कारण भी कृषि का विनाश हो रहा है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको आप लोग को लिखना है, ठीक है। भारत अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को देखते हुए 2017-18 में बजट में इन समस्याओं के समाधान हेतु तो कई प्रयास किए गए। इसे निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। देखिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो कृषि में सिंचाई संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हर खेत को पानी की संक्रमण के तहत सिंचाई से वांछित 96 जिलों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की बात की गई। इसके अलावा नाबार्ड द्वारा सिंचाई हेतु समर्पित सिंचाई कोष बनाने की बात की गई है। इसी कृषि क्षेत्र में कृषकों को लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आगामी खरीफ सीजन में से सभी अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना करने का फैसला लिया गया। तो ये क्या योजना है, योजना के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और लोग खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, ठीक है। अगर किसी से संबंधित बाजार की समस्या के समाधान के लिए 585 मंडियों को ई नैम योजना के तहत एकीकृत करने की बात की गई। इसके अलावा 22,000 ग्रामीण मंडियों को ग्रामीण ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र में अवसंरचना विकास हेतु 2 करोड़ रुपए की निधि के साथ एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 द्वारा गांवों को सभी मौसम में प्रयोग लाई जाने वाली कृषि जोड़ने पर भी बल दिया जा रहा है। तो ये सारा कुछ योजना है, ठीक है। योजना के कारण ही आप लोग को बहुत सारे फायदे मिलेंगे, ठीक है। देखिए आगे क्या है, तो ये सारा फायदा बाकी दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। कृषि में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। मेगा फूड पार्कों के अलावा कृषि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध जिलों में क्लस्टर के रूप में विकसित किए जाने वाले जाने की योजना है। ये सारा क्या है योजना है, इस योजना को आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो ये सारा आप लोग नोट्स लीजिए तो आप लोग आराम से देख सकेंगे। बाकी बहुत सारे और भी है तो आप लोग को और भी दिखाएंगे, ठीक है। उसके पहले हम देख लेते हैं और भी, ये कृषि और उद्योग के बारे में हो गया, ठीक है। कृषि के बारे में स्पेशल चीज़ भी लिखे हैं, ठीक है। देखिए क्या चीज लिखे हैं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल इसलिए कि देश की अधिकांश जनसंख्या खाद की आपूर्ति होती है, बल्कि इसलिए भी भारत किसी आधी से भी अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता चलेगा। इसके अलावा देखिए उद्योग के बारे में क्या बोला जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है, जैसे कि ऋण के बोझ को कम करना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ये क्या है, उद्योग है। उद्योग से क्या होता है, आप लोग का सारा समस्या दूर हो जाता है, ठीक है। यानी कि उद्योग से आप लोग का जितना भी पैसा का झंझट होता है सारा खत्म हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा फायदा होता है। आत्मनिर्भर वितरण को बढ़ाना, वर्तमान आर्थिक वृद्धि को आधुनिक बनाना, क्षेत्रीय विकास का संवर्धन, गरीबी उन्मूलन मेन चीज है, ठीक है, जो कि हो रहा है। आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार में देश में औद्योगिकरण के तीव्र संवर्धन की दृष्टि से विभिन्न नीतिगत उपाय करती रही है। इस दिशा में प्रमुख कदम के रूप में औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा करना है, जो 1948 में पारित हुआ, और इसके अनुसार 1956 में और 1991 में पारित हुआ। 1991 के आर्थिक सुधार आयात पर प्रतिबंधों को हटाना, पहले सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित निजी क्षेत्रों में भागीदारी, बाजार सुनिश्चित, मुद्रा विनिमय दरों की उदारीकृत शर्तें, FDI की आवक। तो ये सारे कुछ क्या आप लोग के लिए उद्योग के बारे में हो गया, ठीक है। अब देखिए बाह्य क्षेत्र क्या, और आप लोग बोल रहे थे कि व्यापार नीति के बारे में, तो उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। ये सारा कंप्लीट कर लेते हैं, 5 तो चैप्टर ही है, देखिए 5 चैप्टर है समस्या, और 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप लोग को उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। बाकी सारा सिलेबस आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में, और आप लोग बढ़िया से बढ़िया नंबर ला पाएंगे। देखिए बाह्य क्षेत्र में क्या, बाह्य क्षेत्र में 1991 से पहले भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेशों
पर प्रतिबंधों के माध्यम से वैश्विक प्रतियोगिता से अपने उद्योगों को संरक्षण देने की एक नीति अपनाई थी। तो एक नीति अपनाई थी 1991 के टाइम में, ठीक है। अब देखिए क्या, उदारीकरण के प्रारंभ होने से भारत का बाह्य क्षेत्र नाटकीय रूप से परिवर्तित हो गया। विदेश व्यापार उदार और टैरिफ एतर बनाया गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित विदेशी संस्थागत निवेश कई क्षेत्रों में हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र जैसे बैंकिंग और बीमा का जोरदार उदय हो रहा है। रुपये मूल्य अन्य मुद्राओं के साथ साथ जुड़कर बाजार की शक्तियों से बड़े रूप में जुड़ रहे हैं। फिर देखिए, आज भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2010-11 के अनुसार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो रहा है। देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित फॉरेक्स 28 अक्टूबर 2011 को 320 बिलियन अरब डॉलर, इतना बिलियन अरब डॉलर की तुलना में हुआ है, ठीक है। अब देखिए, भारत मार्केट सर्वोच्च 20 निर्यातकों में से एक है और 2010 में सर्वोच्च 10 सेवा निर्यातकों में से एक। तो आप लोग का व्यापारिक नीति के बारे में हो गया, लेकिन इसके बारे में वो डिटेल जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका सारा। उसके बाद हम दिखाएंगे व्यापार नीति के बारे में, ठीक है, और इंग्लिश वाला भी दिखा देंगे। तो आप लोग इंग्लिश वाले अगर होंगे तो परेशान नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में बोला जा रहा है, तो इसमें क्या आप लोग को पढ़ना है, ये झारखंड की अर्थव्यवस्था कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियां झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। यहाँ भी कृषि मुख्य आधार है, ठीक है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल केवल 38 लाख हेक्टेयर है। झारखंड राज्य के 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 18,423 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। तो इतना वन ही उद्योग और खनिज को, देखिए ये पहला अर्थव्यवस्था का साधन है यहाँ, उद्योग और खनिज, ठीक है। खनिज मेन चीज है, खनिज यहाँ बहुत ही दिक्कत के साथ है, ठीक है। ये झारखंड कुछ बड़े उद्योग है, देखिए कौन कौन सा है। सार्वजनिक क्षेत्र का बोकारो स्टील प्लांट हो गया, उधम सिंह ग्रुप में निजी क्षेत्र की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को हो गया, फिर टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को हो गया, फिर टिमकेन इंडिया लिमिटेड जमशेदपुर हो गया, भारत कुकिंग लिमिटेड धनबाद हो गया, खिलाड़ी सीमेंट फैक्ट्री पलामू हो गया, इंडियन एल्यूमिनियम मोरी हो गया, फिर देखिए SCC सीमेंट चाईबासा, फिर सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड रांची, उषा मार्टिन, उषा बेल्ट्रॉन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ई लिमिटेड जादूगोड़ा, फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मुसाबनी, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जमशेदपुर, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड गोमिया, हिंडालको बॉक्साइट लोहरदगा। तो ये सारा क्या उद्योग है, ठीक है। झारखंड राज्य खनिज में से देश का समृद्धतम राज्य है। देखिए खनिज के बारे में, यहाँ उपलब्ध प्रमुख खनिज है कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, तांबा, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी कायनाइट, चिकनी मिट्टी, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, बेंटोनाइट, साबुन पत्थर, बिलोरी रेत और सिलिका बालू। तो ये खनिज एजेंस इस नवगठित राज्य में सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, रांची, कोडरमा और धनबाद में कोयला, अभ्रक और अन्य खनिजों के दोहन की सिंचाई और बिजली। देखिए सिंचाई और बिजली के बारे में भी देखिए एजेंस, तो ये भी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन कह सकते हैं, ठीक है। देखिए सिंचाई किससे किससे कहाँ कहाँ होता है, दामोदर, मयूराक्षी, ये सारा सिंचाई के क्षेत्र है, ठीक है। बराकर नदी हो गया, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, संघ, सुवर्णरेखा, सखरकई और अजय यहाँ की प्रमुख नदियाँ, और राज्य के जल का प्रमुख स्रोत है। राज्य में कुल बुआई का क्षेत्र 1.57 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 8% क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाते। झारखंड में स्थापित विद्युत क्षमता 2,590 मेगावाट, जिसके स्रोत है 2,420 मेगावाट, तेनीघर ताप बिजली घर से 840 मेगावाट, फिर देखिए पतरातू ताप बिजली पनबिजली घर से 130, सिकिदरी बिजली परियोजना से और 1,200 मेगावाट, दामोदर घाटी निगम ताप, फिर पनबिजली परियोजना से ताप और पनबिजली पर आधारित विभिन्न बिजली घरों की क्षमता, फिर देखिए 4,736 मेगावाट की जा सकती है, जिसमें 686 पनबिजली उत्पादन शामिल है। देखिए इस हम बता दें तो सबको कि विस्तृत चर्चा इस वीडियो में की जाएगी, तो वीडियो में बता दें तो एक एक पॉइंट को बताएं, ठीक है, और बहुत ही डिटेल से बताएं। इसके साथ ही हमारे शुभकामना आप लोग के साथ है, बट डजन मीटर अभी तो टेलर था, अभी कुछ कुछ मेन चीज़ बताना और बाकी है, ठीक है। चलिए दिखाते हो कुछ मेन चीज़। देखिए फ्रेंड्स, कुछ हम निर्यात आयात नीति व्यापार नीति के बारे में हम बता रहे थे, ठीक है, 2009 और 2014 वाला। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, अवधि के लिए दीर्घकालीन निर्यात आयात नीति की घोषणा 7 अगस्त 2009 को की गई थी, और यह नीति निर्यातों में अप्रत्याशित संकुचन, निर्यातकों के लिए कर वापसी और अपेक्षाकृत कम लेन देन लागतों, बेहतर आधारभूत ढांचे के आश्वासन की पृष्ठभूमि निर्मित की गई थी। परंपरागत किंतु मंदी पीड़ित यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के बाजार के बजाय लैटिन अमेरिका, सोनिया, ओशिनिया एवं अफ्रीका के नए बाजारों को अधिक वस्तुएं एवं सेवाएं निर्यात करने की विशेष रणनीति, इस नीति की कुछ विशेष बातें हैं। तो इसमें क्या है, मेन इसी के बारे में बात हो रहा है कि ये सारा जो जगह है ये सब मंडी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसका उद्देश्य के बारे में देखिए, उद्देश्य के बारे में लिखने का आ जाएगा। तो नीति का अल्पकालीन उद्देश्य निर्यातों में घटती हुई प्रवृत्ति को रोकना एवं उसे विपरीत करना था, विशेष रूप से उन क्षेत्रों को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करना था जो विकसित विश्व में मंदी के कारण बुरी तरह से पीड़ित हुए हैं। स्थिति को देखते हुए नीति का उद्देश्य
$200 बिलियन की वार्षिक निर्यात लक्ष्य के साथ 15% वार्षिक निर्यात वृद्धि प्राप्त करना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। सरकार यह आशा करती है कि देश पुनः लगभग 25% वार्षिक की ऊंची निर्यात वृद्धि मार्ग पर वापस आएगा तथा वस्तुओं एवं सेवाओं को निर्यातों को 2014 तक दोगुना कर देगा। ठीक है, दीर्घकाल में नीति का उद्देश्य 2020 तक विश्व के व्यापार में भारत के अंश को दोगुना करना है, जो 2008 तक 1.64% रहा। नीति के अन्य दीर्घकालीन उद्देश्य निम्न थे। तो निम्न थे, देखिए निर्यात आयात की नीति के लिए अन्य दीर्घकालीन उद्देश्य क्या थे। तो विस्तृत होते विश्व बाजार अवसरों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए देश का संक्रमण एवं एक विश्वोन्मुख कंपनीशील अर्थव्यवस्था की ओर तीव्र करना। तो सबका क्या है, देश सबका उद्देश्य कि अपना बाजार जमाना, बढ़िया उन्नति करना, ठीक है, आगे बढ़ना। तो यही सबका उद्देश्य है, ठीक है, सिर्फ एक ही देश का नहीं। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, तो दिखाते हैं। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं, पुर्जों, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की सुलभता प्रदान करके सतत आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ये सारा कुछ है। देखिए फिर यही सब राशन। अब देखिए इसे कुछ वृहत लक्षण के बारे में हो रहा बात हो रहा है। तो इसमें देखिए नए उत्पादों के बाजारों को जोड़ने के लिए अध्याय 3 के अंतर्गत प्रोत्साहन योजना विस्तृत कर दी गई। संग्रहित बाजार योजना फोकस मार्केट स्कीम के अंतर्गत 26 नए बाजार जोड़ दिए गए। इनमें से 16 बाजार लेटिन अमेरिका एवं 10 बाजार एशिया ओशिनिया के सम्मिलित हैं। तो ये नियम के अनुसार इसको गूगल में सर्च करके आप लोग आराम से बढ़िया से और डिटेल से पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें वृद्धि लक्षण तो हम बता दिए हैं, अब देखिए इसमें क्या है। ठीक है, इसमें देखिए और क्या बोला जा रहा है। प्रौद्योगिकी का उच्चीकरण, EPCG, ढील एवं DPB, तो इस सब के बारे में अगर पूछ देगा तो आप लोग को बताना पड़ेगा, इसलिए सारा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम दिखा देते हैं धीरे धीरे करके ताकि आप लोग को बढ़िया से। देखिए ये क्या है, विदेशी व्यापार नीति की स्थिरता या निरंतरता, क्यों निरंतर है या क्यों, ये एक सारा कुछ जितना भी प्रॉब्लम है उसके सारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये सारा कुछ। देखिए ये सारा आप लोग को गूगल में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम ये गूगल से ही किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं आराम से। देखिए इस तरह से, तो इतना ही था सब। ठीक है, और आप लोगों के लिए यही था, और आगे और इंग्लिश वालों को दिखाते हैं। ठीक है, तो फाइनली देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश वालों के लिए भी हम बनाए हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गया, प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग इन इंडिया, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, इकोनॉमी ऑफ झारखंड हो गया। तो ये सारा कुछ आप लोग के लिए पढ़ना था फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, फिर से धीरे धीरे आगे कर देते हैं इसको। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी देखिए। कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बाकी चैनल में नए होंगे जो सब्सक्राइब कर, ताकि आगे और सब लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में साथ। तो जैन मंदिर मातरम।